हाय गाइस, जेबीटी टैट 2021 जो 21 नवंबर को लिया गया एसपी बोर्ड के द्वारा, तो आज हम उसी के साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ जंग, अंडर विच कैटेगरी टू द पर्सन हैविंग लोनली टाइम्ड एडलॉस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तो गिलस्टॉट का अर्थ है समग्र रूप से, मीन एज अ होल, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इनमें से प्रत्यागमन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ है, बी इज़ द राइट आंसर, प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ हायर देन दियर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। एक बच्चा जिसकी मानसिक आयु उसकी कालानुमृत आयु से ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे, यानी कि गिफ्टेड बच्चे। तो इस क्वेश्चन को करने का जो फॉर्मूला है वो है एम ए अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, सो डी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये सीरीज डी है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 10 वर्ष के बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। व्हाट इज़ द आईक्यू ऑफ एन 10 ईयर्स ओल्ड बॉय चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। यहाँ भी सेम वही फार्मूला लगेगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोहलर, कोहलर ने गेस्टॉल्ट की थ्योरी दी थी, गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, कोहलर, कोहलर इज डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इड इज़ गाइडेड बाय, इदम निर्देशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लेजर प्रिंसिपल, सुखवादी सिद्धांत। इसमें अगर और ऑप्शन देखें हम, तो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा वास्तविकता हमारी दिखाती है ईगो, और आदर्शवादी होता है जो सुपर ईगो होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेजर प्रिंसिपल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर, पूछने के लिए ये प्रेरित करना चाहिए, डी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मापन करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक इसका सी होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसको हम, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप्स हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज एंड मोटिव्स एंड दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड समावेशन, समाजीकरण, सॉरी, इसका सोशलाइजेशन इज द राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती हैं। तो इसका डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 16, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास की किस प्रक्रिया से होता है। तो ये जीन पैजे की थ्योरी
से क्वेश्चन आया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है सेंसरी मोटर्स, फिर आता है कंक्रीट, फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्टिस। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? सो ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी जो आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ही ठीक हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, डी। डैस के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो वाइगोत्स्की इज़ द राइट आंसर, ले वाइगोत्स्की, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमन हमेशा समस्या के एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचता है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, अमन किन गुणों के प्रदर्शन कर रहा है? तो एकाधिकार होता है जो एक एक से अधिक समाधान के बारे में सोचता है, वो क्रिएटिव, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतक या क्रिएटिव थिंकर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक मीन्स सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर, स्कूल एंड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो। तो इस शिक्षा को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा, डी इज़ द राइट आंसर, इंक्लूसिव एजुकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, इसको कहते हैं हम बी, आई थिंक इसका बी इज़ द राइट आंसर। अब पता नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई और है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध बुद्धि, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो फर्स्ट ए इज़ द राइट आंसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच बालक संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है, तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, उसका है पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मॉडलिंग का संप्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडलिंग का संप्रत्यय है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा मॉडलिंग के संप्रत्यय का सिद्धांत दिया गया, इसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें बच्चा नकल करके सीखता है या तो किसी को देख के सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार हम जीवन के प्रत्येक अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं, ये एरिक्सन ने कहा था, इसका एरिव एरिक्सन इज़ द राइट आंसर, एरिक्सन ने मनोसामाजिक जीवन की 8 अवस्थाएं बताई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है? तो इसका डी इज़ द राइट आंसर, हंगर यानी भूख, तो डी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर यह है वुडवर्थ, वुडवर्थ ने कहा था कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, और ये निम्न में से कौन सी गार्डनर द्वारा दिए गए एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो गार्डनर ने जो अपने बुद्धि के प्रकार बताए थे उनमें सृजनात्मक बुद्धि नहीं बताई थी उसने, क्रिएटिव इंटेलिजेंस नहीं बताई थी, संगीतीय बुद्धि जो संगीत के बारे में जानता है, या भाषाई बुद्धि जो भाषा के बारे में, तार्किक बुद्धि जो मैथमेटिकल में ज़्यादा तेज़ है, तो वैसे सृजनात्मकता का उसने कोई दिया नहीं था, तो उसका सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप गाइज आपको आंसर्स पता लग गए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।